जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। वे 86 साल के थे। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कर बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां थी। रतन टाटा के लिए देश भर के लोगों ने असीम सम्मान था। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बुलंदियों को छुआ। रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने थे। उसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह 2012 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1996 में टाटा सर्विसेज और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों की स्थापना की थी। विनम्र व्यवहार के लिए विख्यात रतन टाटा फिलहाल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट एवं एलाइड ट्रस्ट के साथ ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एवं एलआईडी ट्रस्ट भी शामिल है। रतन टाटा का भारत के कारोबारी जगत में काफी अहम योगदान माना जाता है। वे भारत के दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। वह प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनवे स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला कार्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के पूर्व छात्र हैं। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को हुआ था। उन्हें एक अरबपति होने के साथ ही एक सहृदय, सरल और नेक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनसे जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो बताते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की, साथ ही देश की तरक्की में भी रतन टाटा के योगदान को कभी भुनाया नहीं जा सकता है। फिलहाल रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है और उनका जाना उद्योग जगत और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो